आदिल जुल्म बंद करो मुझ पर, उससे डरो, इसीलिए वो लड़की मुझे डंके की चोट पर कहती है कि वो तुम्हें छोड़ेगा और 100% मुझसे शादी करेगा। कोई लड़की ना मेरा घर तबाह करने की कोशिश ना करे। बोलिए। मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं अभी आज जिम आई। अजीब सा फील हो रहा है मुझे, घर में रहूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझसे। जी पूछिए, क्या पूछिए? क्यों डिप्रेशन में? नहीं आप पूछिए, आप पूछिए। अभी आदिल आए थे, क्या जवाब दिया? शादी को लेके बोल रहे थे आप। क्या कुछ खोने का डर नहीं है। मैं उस लड़की को वार्निंग देना चाहती हूँ मीडिया के द्वारा। जब मैं बिग बॉस मराठी में थी 1.5 महीना, बहुत फायदा उठाया तुमने, नाम नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर फोटो वीडियो सब कुछ बताऊंगी। इसीलिए आदिल आपने 8 महीने की शादी मेरी खामोश रखवाई ये अफेयर्स करने के लिए। कहते हैं तुम मेरी भगवान हो, मेरा खुदा हो, अल्लाह के बाद तुम हो। नहीं, मुझे खुदा अल्लाह से कंपेयर मत करो, मैं एक मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मुझे एक बीवी बनना है, बच्चों की माँ बनना है, मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं? बस मुझे जाना है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मैं इनके अफेयर्स के फोटो वीडियोस कुछ नहीं दिखाना चाह रही हूँ। 8 महीने तक मैं ऐसे रही। जी मेरा शोहर, अस्सलाम वालेकुम, जी मेरे शोहर, आप पलके झुका के रही। इसलिए आपने डिनाई किया था मेरी शादी का, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। इसलिए आपने मेरी शादी का डिनाई किया था। और 5-6-10 दिन में आपने बाद में दुनिया के फैंस के मीडिया के डर के मारे बाद में आपने कबूल किया। मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। सीढ़ी बना के आगे बढ़ के क्या हासिल कर लोगे? ईमानदारी से आपने मेरे से शादी करी, प्यार किया। मैं अभी दुनिया जो हंस रही है मुझ पर, आधे से ज्यादा हंसो मत। पहले मेरी माँ की कैंसर का पहाड़ टूटा मुझ पर, फिर पुलिस जो मुझे इंक्वायरी के लिए लेकर गई उसका पहाड़ टूटा, फिर मेरी माँ की मौत का पहाड़ टूटा। उसके बाद मेरे पीछे ये सब हो रहे गंदे अफेयर का पहाड़ टूटा। जो मैं कहती हूँ ना मेरी शादी खतरे में है, वो लड़की को वार्निंग दे रही हूँ मीडिया के सामने। मेरे आदिल के बीच में शादीशुदा पति पत्नी के बीच में आओगे, शर्म आनी चाहिए। एक औरत औरत का घर तोड़ रही है। आदमी तो होता ही कुत्ता है। तुम जाओगे तो करेगा ही। तुम एक शादीशुदा औरत की जिंदगी खराब कर रही हो। शुक्र करो अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने तुम्हारे वीडियो वायरल की वीडियो में। जब मैं पलके झुका के बर्दाश्त करना चाहती हूँ तो आंख उठा के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मैरिज के लिए लड़ना भी जानती हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, पर्दाफाश कर दूंगी। आदिल आपको भी वार्निंग दे रही हूँ, अभी से उस लड़की का नाता छोड़ दो। सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आदिल तुम ये सोचोगे कि दूसरी औरतों की तरह मैं खामोश बैठ जाऊंगी? 2-4 शादियां की धमकी आप मेरे को दोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या तोहफा दिया है आपने मुझे रमजान का? अभी अभी मेरी माँ इंतकाल हो गया। अभी अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं 30 रोजे करूंगी, उमरा जाऊंगी, एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी निभाऊंगी। जुल्म बंद करो मुझ पर, उससे डरो। मानती हूँ आदमी से गलती होती है, मैं गलती माफ कर दूंगी। आदिल लौट कर मेरे घर वापस आ जाओ, तुम घर में ही हो, मैं आपकी बीवी हूं।
आप घर में ही, हम साथ में ही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और है, सिर्फ शरीर घर में लेकर नहीं। आप सोच रहे हो कि मीडिया में क्यों बोल रही हूँ? आपने मुझे कहा था कि हमारे इस्लाम में ऐसा है कि बंद कमरे में बातें होनी चाहिए। बंद कमरे में मैं जब से बिग बॉस से आई हूँ जुलझ रही हूँ, बंद कमरे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं आ रही, समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी लड़की मुझे फोन करके धमकियां दे रही है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे धमकी दे रही है तुम्हारी लड़की, नाम नहीं बताऊंगी। अभी वो सुधर जाए, मेरे पति की जिंदगी से निकल जाए, बेहतर है। मैं वार्निंग दे रही हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी है ये, एक एक आंसुओं का मेरा बदला मेरा अल्लाह खुदा परमेश्वर लेगा। अभी भी मेरी बात को मैं दफना के आई हूँ। आदिल, आदिल, आदिल सुधर जाओ। उस लड़की को कहना चाहती, जो बीवी का नहीं लॉयल वो किसी का नहीं। कहते हो ना कि मीडिया में आती हूँ क्यों बात, घर में रखो, घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है, अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। सब मालूम है उसे, सब जानते हैं, आधे से ज्यादा नहीं जानते सच्चाई। बोली थी जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी मैं, अब वो लड़की मेरे सर पे मुतना चाहती है, मुझे आदिल का उसको साथ है, इसलिए वो लड़की मुझे डंके की चोट पर कहती है कि वो तुम्हें छोड़ेगा और 100% मुझसे शादी करेगा। इसलिए तुमने 8 महीने की शादी मेरी छुपाई आदिल, तुम्हारी आंटी ने, तुम्हारे सब लोगों ने बोला बेटा एक चांस दो, 10 चांस दिए मैंने आदिल को। मुझे नहीं पता है, मैं रमजान के तीसरे रोजा करना चाहती हूँ, मैं आदिल से घर बसाना चाहती हूँ, मैं आदिल के साथ उमरा जाना चाहती हूँ। वो मेरा शोहर है, मेरे शोहर के बीच में, मेरे घर के बीच में कोई लड़की ना मेरा घर तबाह करने की कोशिश ना करे। तुम आदिल मुझे छोड़ के जाओगे तो जाओगे, तुम्हारा भी घर कभी बस बस नहीं पाएगा, याद रखना। आदिल मेरा लॉयल नहीं, मेरे साथ तो किसी के साथ नहीं रहेगा। हाँ मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ, क्योंकि यही लोग मुझे न्याय दिलाएंगे, यही मेरी आवाज, मेरे फैंस मेरा घर बसाएंगे। आज मुझे रास्ते पे उतरना पड़ा। कहता है आदिल तुम मेरी भगवान हो, मेरी खुदा के बाद, मैं नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तुम कोहिनूर हीरा छोड़ के कचरे के पास गए हो, क्या कमी की तुमको मैंने, पूरे देश में फेमस कर दिया, सलमान भाई, शाहरुख भाई, सारे सेलिब्रिटी रणवीर से मिला दिया, क्या कभी की आदिल मैंने तुम्हें, तुमने मुझे क्या दिया इस आजू के लिए, क्या दिया? बस सॉरी मैं बोल चुकी हूँ। मैं जी बोलिए, आज मुझे आइए बहन, आइए इधर आइए, मैंने बोलो मुझे सड़क पे आना पड़ रहा है, साथ में आप मुझे मेरे जो फैंस उसके वहां पे जो कहते हैं ना उसे, ये राखी के नाटक है, नाटक नहीं, दर्द है, मेरा दर्द लेके एक बार राखी सावंत की जिंदगी जी के देखो, एक बार राखी सावंत की जिंदगी जी के देखो, जिस दिन माँ को दफना रही हूँ उस दिन, छोड़िए राखी दी। नहीं मेरा ओके, राखी 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 कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, मैं आप लोगों के लिए जिम चेंज कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ अब आदिल किसी मीडिया में आए, बस हो गया, अभी उसे कोई पब्लिसिटी मुझे नहीं देनी है, उसने बहुत मेरा एकदम सीढ़ी की तरह मेरा इस्तेमाल किया, बस अब नहीं, मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ, सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ कि कोई मेरा इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए। क्या ले लोगे मेरा इस्तेमाल करके, ऑस्कर अवार्ड ले लोगे, फिल्मफेयर अवार्ड ले लोगे,
सारे अवार्ड ले लोगे? कौन से अवार्ड ले लोगे आदिल? कौन से अवार्ड ले लोगे? इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्टार बनना है? नहीं बनना। आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं जिम चेंज कर दूंगी, क्योंकि वो जानबूझ के जिम करने नहीं आता है, मीडिया में इंटरव्यू देने आएगा। आई डोंट वांट, प्लीज। आज आपने नहीं बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं। मैंने नहीं बुलाया, झूठों का पुतला है वो खुद जानते हैं कि मेरे साथ सारे प्रूफ है। मैंने 10 बार बोला, कुरान पे शरीफ, कुरान पे कसम खाया उसने कि मैं उस लड़की को ब्लॉक कर दूंगा, कुरान है पाक की कसम, लेकिन नहीं ब्लॉक किया। और वो लड़की उस पर अभी उसको ब्लैकमेल कर रही है वो लड़की, क्योंकि उस लड़की के पास सारे गंदे प्रूफ है। शुक्रिया। मैं कहती हूँ कुरान की तो इज्जत करो। जाना है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाना। मेरे हाथ जोड़ से एक ही निवेदन है मीडिया से, मैं उसे लाई हूँ मीडिया में, अब आप लोग उसे, मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, मत बनाओ उसे। सारी लड़कियां मेरी शादी का फायदा उठा रही है, मत बनाइए उसे। अल्लाह से मैं मांगूंगी, 30 रोजे करूंगी, मैं उमरा जाऊंगी, मुझे आदिल ले जाए तो बेटर है। मैं मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई है उनको बोलूंगी मुझे उमरा कराए। मैं मेरे जीसस को मानती हूँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ, मेरा अल्लाह खुदा सच्चा है, मैंने सच्ची बीवी हूँ, और सच्चाई से मैंने निकाह, सच्चाई से इस्लाम कबूल किया है। अगर मैं सच्चाई से जीसस को मानती हूँ तो ये सुधर के मेरे पास ज़रूर आएंगे। और हाँ, कि वो आदिल अगर मेरे साथ लॉयल नहीं है, हर लड़की को कहना चाहती हूँ वो आपके साथ भी लॉयल नहीं होगा। मैंने अपना खून दिया है उसे, सब कुछ दिया है, सब कुछ जो मुझ पर गुजरी है किसी लड़की पर ना गुजरे। आदिल तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते, मैं दुनिया के हर कोर्ट में जाऊंगी, मैं अल्लाह के कोर्ट में जाऊंगी, समझे? तलाक की दम की मत देना। उस लड़की की बात में आके एक बार उसने मुझे गुस्से में आके ये भी बोल दिया, तुम मुझे मत देना।